name is Vyas. I'm a student of nursery class. May these, those or this that may confuse whom? चलो हम सर से पूछ के कंफ्यूज दूर करते हैं। Yes, Mr. Divyansh, I am going to express my opinion on this, that, these, those. ये एडजेक्टिव होते हैं या प्रोनाउन होते हैं? आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। Let's begin the topic. Everyone, my name is Anshul and you are watching my YouTube channel Angrezi Academy. Basically, we are confused in कि एडजेक्टिव होते हैं या प्रोनाउन होते हैं। आज हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए जो this, that, these, those है, अगर इनके आगे नाउन आए तो ये एडजेक्टिव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एडजेक्टिव कहलाते हैं। आर यू गेटिंग मी? देखिए इनको कुछ सेंटेंसेस में लेके देखते हैं। फर्स्ट वन इज दिस बुक इज माइन। यहाँ पे ये नाउन है, यहाँ पे ये बुक नाउन है, तो इससे पहले ये दिस आया है तो ये क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। ओके, सेकेंड वन इज दीज बुक्स वर ऑन द टेबल। दीज बुक्स वर ऑन द टेबल, यहाँ पे नाउन है, इससे पहले एडजेक्टिव आ गया है। फिर थर्ड वन इज दैट कार वाज वाइट। दैट कार वाज वाइट, यहाँ पे नाउन है तो उससे पहले एडजेक्टिव आ गया, वो क्या है? दैट। फोर्थ पॉइंट है दोज स्टूडेंट्स आर इन एट क्लास। दोज स्टूडेंट्स आर इन एट क्लास, यहाँ पे स्टूडेंट्स नाउन है, उससे पहले ये दोज एडजेक्टिव आ गया। आर यू गेटिंग मी? देखिए जो दिस दैट दीज दोज ये एडजेक्टिव हैं तो कौन से हैं? ये डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव हैं जो किसी भी चीज़ को डेमोंस्ट्रेट करते हैं। देखिए दिस बुक दीज बुक्स दैट कार दोज स्टूडेंट्स। ओके, इसलिए सभी नाम को डेमोंस्ट्रेट कर रहे हैं, इसलिए डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। देखिए जो दिस दैट दिस दोज है, अगर इनके आगे नाउन नहीं आए तो ये प्रोनाउन कहलाएंगे, क्योंकि प्रोनाउन हमेशा नाउन की जगह यूज होते हैं। देखिए अब कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। फर्स्ट आता है दिस इज माय कार। यहाँ पे दिस है, ये कार के लिए आया है, ये दिस कार के लिए आया है। ओके, सेकेंड आता है दीज आर माई फ्रेंड्स, यहाँ पे दीज है, फ्रेंड्स के लिए आया है। थर्ड वन इज दैट इज योर पेन, यहाँ पे दैट है, ये पेन के लिए आया है। ओके, दोज आर माई पेन्स, ये दोज आया है, ये भी पेन्स के लिए आया है, यहाँ पे दोज पेन्स के लिए आया। आर यू गेटिंग मी? ये प्रोनाउन है तो सारे के सारे कौन से प्रोनाउन है? डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि ये नाउन को डेमोंस्ट्रेट कर रहे हैं। देखिए जो दिस दैट है, इनका यूज हमेशा सिंगुलर नाउन के लिए किया जाता है, और ये दीज दोज हैं, इनका यूज हमेशा प्लूरल नाउन के लिए किया जाता है। ओके गाइस, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना, लाइक करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।